शांतनु जी, शांतनु जी, पूरे चुनाव में धर्म का तड़का तो लग ही रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी। योगी जी के मथुरा से चुनाव लड़ने के संकेत को लेकर भी बार बार खबरें गर्म हो रही हैं। सर सुनिए ना, आप आ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ही जगह पर बैठे नहीं रहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की ओर से जो ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि न्यू यूपी में नई रोशनी से रोशन होगा उत्तर प्रदेश, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। तो उनका ये दाव जो है वो कितना असर करने वाला है शांतनु जी यूपी में? देखिए दिल्ली में तो केजरीवाल ने जो ऐलान किया था उसका असर देखा गया, फ्री बिजली फ्री पानी का। चित्रा जी, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में थे तो हमें सबको पता है कुछ खास जिलों में बिजली आया करती थी। जो मैक्सिमम बिजली उत्तर प्रदेश में जाती थी वो 16,000 मेगावाट थी और अभी करीब 25,000-26,000 मेगावाट आ रही है। तो उनके खोखले वादों पर मुझे नहीं लगता कि जनता विश्वास करेगी कि जब वो थे तो 12 घंटे 10 घंटे बिजली आ जाए गांव में तो बड़ी बात मानी जाती थी। अब गांव में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। तो मेरे ख्याल से लोग समझ चुके हैं कि वादे करना और उनको निभाना कितना कितना मुश्किल है। तो वादे तो उन्होंने पहले भी किए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है जो 10-10, 12-12 घंटे बिजली देते थे उनपे उनका बिजली का कोई भी वादा खरा उतर पाएगा। आपको लग रहा है कि ये बिजली वाला काम नहीं करेगा तो ये सपने वाला काम कर जाएगा, श्रीकृष्ण का दांव? ये वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भाजपा उस मुद्दे के साथ, राम मंदिर के मुद्दे के साथ पालमपुर अधिवेशन से पिछले 3 दशकों से खड़ी है। और देखिए 2014 से पहले एक व्याकरण थी पूरे देश में जो कांग्रेस ने सेट करी थी कि हिंदुओं को चिढ़ाते रहो, अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करते रहो और वोट लेते रहो। लेकिन वो 2014 के बाद व्याकरण बदल गई है। तो हमें जनेऊधारी भी मिलते हैं, फैंसी ड्रेस करते हुए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मिलते हैं और सपने में आने वाले राम और कृष्ण भी दिखते हैं। तो अब तो व्याकरण तो बदली है 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने व्याकरण बदल दी है भारत की राजनीति की। तो अब राम कृष्ण सब सपने में आएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए, अगर अगर राम ही मुद्दा है, कृष्ण ही मुद्दा है, तो अगर वोटर को वोट करना है तो वो ओरिजिनल को वोट करेगी, वो जेरोक्स कॉपी को क्यों वोट करेगी? ठीक है, मनोज जी जैसे ही जुड़ते हैं उनसे इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। इस समय उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन धर्मवीर जी अब आ जाइए आप डिबेट में। देखिए मुद्दा तो है ना, अब धर्म का तड़का लगाकर बीजेपी अगर जीत रही है या अपनी धार्मिक ध्वजा को फहराकर, क्योंकि 2014 से लगातार उसकी सीटें, चाहे 14 में हमने 71 देखी हो, उसके बाद 60 से ज्यादा देखी हो 2019 में, और 2017 में भी 312 सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी। तो ये बात तो सच है कि बीजेपी धर्म को लेकर आगे बढ़ती है, लोग भरोसा करते हैं, उसको वोट करते हैं। तो इन सब के बीच फिर आप लोगों की जो गाड़ी है, जो आपका हाथी है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? चित्रा जी, धर्मवीर जी, ये जैसे जालसाज होता है ना, जालसाज जाल फेंकता है, तो इन्होंने जाल फेंका था। और एक गांव की कहावत है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है। बीजेपी की कांट की हांडी चढ़ चुकी है। ये ब्राह्मण समाज के लोग ये पूछ रहे हैं कि खुशी दुबे की गलती क्या है और ये 700 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए उनकी गलती क्या है इस डबल इंजन की सरकार में? ये जो आज 700 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे मारे गए इनकी गलती क्या है? तो ये बीजेपी तो अपने जो कुकर्म है उनसे मारी जाएगी। इनके पास में विकास का कोई मॉडल नहीं है, इसीलिए बार बार कहराना हिंदू, गाय, मुसलमान, पाकिस्तान, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी आचरण पर पीछे पीछे समाजवादी पार्टी चल रही है। जब वो राम की बात करते हैं, यूपी में मारे गए, ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं? इनके पास में 700 ब्राह्मण मारे गए, ये आंकड़ा कहां से आया है? मैं आपको दे देता हूं आंकड़ा। हाँ, मैं और सुन लीजिए, एक चीज मैं आपको अंदर की बात बता दूं, 250 से ज्यादा, नहीं मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ चित्रा जी। और मैं आपको एक अंदर की बात और बता देता हूँ कि ये जो 250 जांच मिलता है, लेकिन एक ब्राह्मण को और निपटाना था। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह को एक ब्राह्मण परिवार को और निपटाना था, तो आनंद फानंद में एक करके अपनी बात रखेंगे। शलभ जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। शलभ जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा।
रणवीर जी वो कह रहे हैं आपके पास सिर्फ नोटों की गड्ढियां ही मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जनता देख रही है। हाँ, किसके पास आपका दोहरा चरित्र पूरी जनता देख रही है शैलमणि त्रिपाठी जी, और वो कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये धर्मवीर भाई की इस बात से मैं सहमत हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए 2007 से 12 तक चढ़ी, उसके बाद गायब हुई, कभी नहीं चढ़ी। आप देखिए ये दोबारा कभी नहीं चढ़ने वाले, क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता को छला, दलितों को छला, काट की हांडी को चढ़ी हुई है ना आंखों में धूल जो करके। जब मैं सच बोलता हूं तो चिल्लाते हैं, इनको रोकिए। इस तरह देखिए, ये हाथी का अंडा देने वाली पार्टी, इसको रोकिए। बेटी को बचाएंगे, हाथी का अंडा देने वाली पार्टी को रोकिए। ये काला धन आएगा, इनको जरा शांत कराइए। हाथी का अंडा देने वाली पार्टी को, नोटबंदी है, चित्रा जी की आपको बंदूक मौका दे रही है, मेरी बात पर काम कर रहा हूं। ये हाथी का अंडा देने वाली पार्टी है, नहीं नहीं एक बार उनकी बात, धर्मवीर जी प्लीज, आपने सवाल खड़े किए थे, उनकी बात हो जाए। धर्मवीर जी प्लीज 22 तक। अच्छा ठीक है। जवाब सुन लीजिए। शैलमणि जी बोलिए, वो कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी, आपकी सरकार अब नहीं आएगी। इनसे पूछिए कि जब आजम खान खुलेआम मंच से ये कहता था कि बाबा साहब सबसे बड़े भू माफिया है, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगा दो वहां पर पूरी जमीन कब्जा हो गई, उसके बाद किस मुंह से जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब की मूर्तियां लूटी गई, दलितों की जमीन लूटी गई, दलितों की हत्याएं की गई, ये किस मुंह से कैसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रहे हैं? नोटों की माला पहनने की आदत लग चुकी थी इनको, इंजीनियर की हत्या करा देते, डॉक्टर की हत्या करा देते, इनको नोटों की माला पहनने की आदत पड़ गई। दलितों का मंत्रालय नहीं घुसने देते 2022 में 2021 में इस भारत की संस्कृति में। आप दलितों का अत्याचार करते हैं, डिबेट कैसे हो पाएगी? दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, जनता को किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सवाल पूछो कुछ, जवाब आता है कुछ और, कम से कम आपस में एक दूसरे की बात को काटने के लिए अपने वक्त का इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं ना आपको समझ में आएगा, ना एंकर को, ना जनता को समझ में आएगा। इसीलिए कम से कम डिबेट करते समय उस अनुशासन का परिचय आप लोग जरूर दिया करिए, जिस मर्यादा में बंद कर यहां पर हम सब डिबेट करने के लिए आते हैं।